हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, फिर से एक नया वीडियो के साथ एम्ब्रॉयडरी टिप्स हिंदी। तो फ्रेंड प्लीज़ यार, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मशीन का धागा किस चीज़ से ज़्यादातर कटता है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि हाँ यार, इस प्रॉब्लम से धागा कट रहा है, इस वजह से धागा कट रहा है। तो आज इस टॉपिक पे आपसे पूरा खुल के बात करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मशीन में जब धागा जैसे सैडल या आपका मशीन में सिग्नल स्प्रिंग या नीडल या टाइमिंग, ऐसे मतलब चीज़ के प्रॉब्लम से धागा आपका कटता है, शायद आपको पता है, मालूम है। लेकिन और एक चीज़ है जिसके वजह से धागा आपका मशीन में कट सकता है, जैसे कि हमारे साथ भी हुआ है, रिसेंटली हमारे साथ हुआ है। हमारे मशीन में जो चिड़िया है ना, चिड़िया की प्रॉब्लम से धागा कट रहा था। जैसे कि आपको दिखाते हैं किस नंबर हेड में, आप इस नंबर हेड को ज़रा ध्यान से देखिए। इस हेड में हमारा जो चिड़िया है ना, चिड़िया में एक नॉट लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं चिड़िया में, ध्यान से देखिए। चिड़िया में जिसके अंदर से छेद के अंदर से धागा डालते हैं, उसमें एक नॉट रहता है। अक्सर क्या होता है, उस नॉट ना मतलब मशीन चलते चलते ढीला हो जाता है, और उसके बाद उससे नॉट अंदर मतलब बाहर निकल जाता है, और आप उसमें आप उसे देख नहीं सकते। आप धागा ऐसे लगा के रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्रैश आता है, ठीक है? और क्रैश आने के बाद उसमें आपका धागा छिल जाता है या कटता है। ज़्यादातर तो धागा छिलता है, छिल के कटता है, और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आपका मशीन में कहीं से भी आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ज़रा ध्यान से देखिए, जो छः नंबर जो चिड़िया है उसमें आप देखिए ध्यान से, उसमें एक नॉट लगा हुआ नहीं है, ठीक है? आपका मशीन में ऐसा होता है, ऐसी तरीके से आपका मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है, कि आपका चिड़िया की प्रॉब्लम से भी धागा कट सकता है, या आपका हार्मोन, ठीक है? एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, आपका मशीन में जो हार्मोन है ना, जो आपका चिड़िया को टोटल खिलाता है, चिड़िया टोटल काम करता है, टोटल जो है हार्मोन, अक्सर जो हार्मोन का जो प्लास्टिक है, वो आपका जो प्लास्टिक उसमें जब आप घिस जाता चलने की वजह से, उसमें वो प्लास्टिक का जो मतलब घिस जाता है, ठीक है? उसके कारण आपका जो चिड़िया है ना, वो पूरा फुल खिलता नहीं है, कभी कभार आपका आधा खिल जाता है, मतलब आधा नीचे होता है ऊपर होता है, ऐसा होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि हाँ, इस मशीन में गुटका सही है, अच्छा आपका टाइमिंग सही है, नीडल वगैरह स्प्रिंग वगैरह हमने सबको देख लिया, सब ठीक है, उसके बाद भी धागा कट रहा है, तो आप उस जो मतलब आपका चिड़िया है ना, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चिड़िया है अक्सर क्या होता है, सही से नहीं खिल सकता, इसी कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप चिड़िया को पूरा ध्यान से देखिएगा कि चिड़िया सही से खिल रहा है कि नहीं। तो चिड़िया सही से खिल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप उस चिड़िया का जो हार्मोन है ना, उसे आप चेंज कर दीजिए, ठीक है? और हार्मोन कैसे चेंज कर सकते हैं, आप हमारा वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारा इस चैनल पर हमने वीडियो पोस्ट करके रखा है कि आप हार्मोन कैसे चेंज कर सकते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है? और फ्रेंड, आप कोई भी नया टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है कि किस टॉपिक की वीडियो बनाया जाए, किस विषय में आपसे बात किया जाए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए आप प्लीज़ हमें ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और आप हम हो सके कि आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बना दें। तो और एक बात फ्रेंड, आप अपने मशीन में ज़्यादातर जो सिग्नल स्प्रिंग है ना, हम आपको बहुत बहुत कहते हैं कि उससे चेंज करिए, एक महीना या डेढ़ महीना, ठीक है? ऐसी बात बात आप अपना मशीन का जो सिग्नल स्प्रिंग को चेंज करिए, और मशीन का जो हेड है ना, उस हेड को आप वाइट पेट्रोल से वॉश कर लीजिए। मतलब वो जो वाइट पेट्रोल है, ऐसा आप एक दो महीना नहीं, वो छः महीना तीन महीना ऐसी बात बात आप उसे मतलब वॉश कर लीजिए, क्योंकि उसे वॉश करने से क्या होता है, आपका जो धागा है ना, पूरा इजीली नीचे आता है, उसमें कोई जाम वगैरह नहीं रहता, उसमें पूरा मतलब पूरा स्मूथली आपका नीचे आता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आप किस विषय में आपको वीडियो हम दे, या आप किस विषय में आपका मशीन में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हाँ भाई, हमारा मशीन में ऐसा दिक्कत हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हम आपका कमेंट का उत्तर देने का मतलब पूरा कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, किस विषय में बनाया जाए, इसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए। प्लीज़ यार कमेंट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। जिस कमेंट मतलब ज़्यादा आएगा, इस विषय में वीडियो बनाइए, तो हम उस विषय में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और
नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका कमेंट के हिसाब से आएगा, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।